अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। भाई हर ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ रोतू तो होते ही हैं, तो ये वीडियो उसी बारे में, एंजॉय करिएगा एंड तक। अबे अकल से पैदल लोगों, ऑफिस में तुम लोगों को सैलरी याद आती है, खाना खा रहे हो सैलरी इंक्रीमेंट, पानी पी रहे हो सैलरी इंक्रीमेंट, जब यहाँ मौका अच्छा है तो मोबाइल यूज़ कर रहे हो। मतलब ये कि ऑफिस में तो बॉस कभी चेक साइन कर रहे हैं, कभी उस मसले में, कभी इस मसले में, यहाँ बॉस बैठे हैं बिल्कुल चिल, मौका अच्छा है अभी बात कर सकते हैं सैलरी की। यार कह तो तू सही रहा है। और क्या, आपका भाई गलत कब बोलता है। लेकिन बात कौन स्टार्ट करेगा। अबे यार मैं हूँ ना बात करने के लिए, बस तुम लोगों ने ना बैकअप देनी है मुझे, समझ गए। हाँ हाँ चलो 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 चलो। अबे आओ ना। हाँ हाँ चलो चलो चलो। बॉस खैरियत, आप लोग सब एक साथ यहाँ पर। बॉस आपका कोट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। बॉस चाय पियेंगे आप, चाय का बोलूं? नो थैंक्स। बॉस असल में वो देखिए, तकरीबन 35 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ और पिछले 25 साल से मैं बॉस हूँ। मुझे पता होता है कि कौन कब कहाँ और मुझसे क्या बात करनी है। यकीनन आप इनके लीडर बनके कमरे में गए होंगे, बॉस से बात करते हैं, अभी तो वो चिलिंग मूड में होंगे, ऑफिस में तो वो थोड़ा गुस्से में होते हैं, ऐसा ही है। तो मैं समझ गया हूँ कि आप लोगों को क्या बात करनी है। यकीनन आप यही बात करने आए होंगे कि बॉस आप हमें इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं, हमें कराची में पर्ल इन जैसा इतना अच्छा होटल दिया, तो आज से हम 10 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे काम करेंगे, ऐसा ही है ना। जी सर, जी सर। तो फिर कल से नहीं, आज से ही आप लोग 12 घंटे काम करेंगे, ठीक है। Run. बैठिए बैठिए। वैसे आफ्टरनून हो चुका है और आप लोग यूनिवर्सिटी के क्लास में नहीं है जो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। देखिए भाई, आज जो इवेंट होने जा रहा है वो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइंट का इवेंट है जिससे हमारा ऑफिस चलता है, आप लोगों की सैलरीज जनरेट होती हैं। तो आज आप लोगों ने उस इवेंट में 3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 1, आपने क्लाइंट के उठाने हैं सर। बैड लैंग्वेज, आप बताइए मात साहब। सर क्लाइंट को हमने किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना है ताकि उसके काम जो है वो उसके कहने से पहले हो सके, ये होती है बात। इसीलिए आप जूनियर के जूनियर हैं और ये सीनियर हो गए। पॉइंट नंबर 2, क्लाइंट अगर कुछ भी कहे उससे पहले आपने क्लाइंट के उठाने हैं सर। इमाद साहब, सर हमने क्लाइंट के अल्फाज निकलने से पहले वो काम पूरा करना है ताकि जो अपकमिंग नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें ही मिल सके। नंबर 3, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मीटिंग का, उसमें आपने क्लाइंट के सर अब मैं नहीं बोल रहा सर उठाने हैं सर, इतने उठाने कि उसको कंधे पे बिठा लेना है, ये होती है बात। क्लाइंट अगर छीके तो टिश्यू पहले से हाजिर, क्लाइंट अगर प्लेट लेके खड़ा हो तो खाना पहले से हाजिर, क्लाइंट को अगर बाथरूम जाना हो तो दरवाजा पहले से खुला हो, समझ गए। क्योंकि आप लोगों की सैलरीज उसी क्लाइंट के रेवेन्यू से मिलती है, ठीक है जी। यस बॉस। बॉस थैंक यू। बिल्कुल इसी तरह आपने क्लाइंट के उठाने हैं बॉस, फिर बैठ लें, समझें बात को, जूनियर रह जाएंगे वरना, ठीक है। ओके बॉस। ओए ये सो रहा है पट्टू, आज इसको डराते हैं। बे, एक काम कर, तू पीछे जा पर्दे के, मैं इसके बराबर में सो रहा हूँ। सही चाहिए यार। अबे इस कमरे में यार मुझे लग रहा है कोई मसला है, जानी आवाजें आ रही हैं यार। ऐसी आवाज तो नहीं आई? हाँ, ऐसी आवाज आ रही थी करके। अबे कल रात को भी यही आवाज आई थी, मैंने तुझे बताया नहीं तो डर जाता। और तो और कल रात को एक सीन और हुआ है। अबे यार वो बेड के नीचे से एक हाथ आया, मैंने जैसे देखा हाथ अंदर। किसके? अबे बेड के,
तुझे हॉरर सीन में भी ना कॉमेडी सूझ रही है। अरे तो भाई इसका क्या हाल है यार, ये तो मामला खराब हो जाएंगे। तुझे पता है मुझे कितना डर लगता है यार, कुछ करना पड़ेगा, मैं नहीं रह सकता इस कमरे में। यार एक काम कर, तू जा बॉस को जाके बताइए बात, जा। ओके मैं जाता हूँ जानी। रन। अबे टाइट सीन हो गया जानी, जब ये आधी रात को बॉस को उठाएगा ना तबियत से गालियां सुनेगा बॉस के। ओ भाई टाई तो उतार दे, तू तो आज भी वाली फीलिंग दे रहे जैसे हम ऑफिस में ही हैं। चिल कर यार। तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई, हम ये एंजॉय करने आए हुए यहाँ पे? ये ऑफिशियल ऑफिस की ट्रिप है। ये जो कराची लेकर आए हैं ना बॉस हमें, ये काम कराने के लिए लेकर आए, गधे घोड़ों की तरह। देख नहीं रहा सुबह से 4 घंटे हुए हमें आए हुए, 4 प्रेजेंटेशन बनवा चुके हैं मुझसे। हम जूनियर हैं तो हमें क्वार्ट रूम दे दिया, 4 बंदे साथ सोएंगे। सीनियर्स को देखो आप, बड़ा मजे से स्वीट रूम में एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देखो छोटा सा फ्रिज लगा दिया, वो लॉकर दे दिया हमें। किसी दूसरे होटल में जाओगे ना वहाँ आपको फ्रिज देंगे, ना लॉकर देंगे, ना स्मार्ट एंट्री मिलेगी। अच्छा होटल है ये, बॉस अच्छे आदमी है यार। कद्दू अच्छे। ओ भाई जब ऑफिस में तुम घूम रहे होते ना इधर से उधर, वो तुम्हारी शक्ल नहीं देख रहे होते, वो देख रहे होते हैं ये देखो ये 25,000 सैलरी वाला जा रहा है, वो 30,000 सैलरी वाला जा रहा है, वो 40 वाला जा रहा है, इससे ज्यादा काम लेना है। ये बॉस लोग ना भेड़ बकरी गधे घोड़े समझते हैं हमें। बॉस कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं बॉस, हम लोग तो बस तारीफ ही कर रहे थे, इतने अच्छे होटल में आपने ठहराया और इतना प्यारा रूम है। थैंक यू बॉस, अच्छा किया आपने कॉर्ड रूम दे दिया हमें, मुझे वैसे भी डर लगता है ना अकेले में। 2 घंटे में नीचे आ जाना मीटिंग के लिए। अबे इन्होंने तो छापा मार दिया एकदम से। बेटा बचत हो गई तेरी, नौकरी से तो निकालते ही निकालते यहाँ से लात मारते और तुझे पैदल जाना पड़ता वापस, टिकट भी नहीं देते तुझे। वैसे देख रहा है तू कैसी नजर रख रहे हैं हमारे ऊपर। जा आप जाके रिलैक्स हो,